जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, त्रिदेव का आशीर्वाद किसे नहीं चाहिए होता है। तीन सर और छह भुजाओं वाले देव जिन्हें विष्णु का अंश भी कहा जाता है, यानी भगवान दत्तात्रेय की जयंती हर साल मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस बार दत्तात्रेय जयंती 7 दिसंबर बुधवार को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का अवतार है। इन तीनों देवों की शक्तियां दत्तात्रेय भगवान के अंदर समाहित है। ये हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हिंदू धर्म का एक व्रत संस्कार है। दत्तात्रेय के संबंध में ये माना जाता है कि इनके तीन सिर और छह भुजाएं हैं। भगवान विष्णु के अंश से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। दत्तात्रेय जयंती के दिन दत्तात्रेय जी के बाल रूप की पूजा करते हैं। दत्तात्रेय शीघ्र कृपा करने वाले देव की साक्षात मूर्ति कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय का कोई मन से स्मरण करे, उन्हें याद करे, तो वो अपने भक्तों के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं और उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर मंदिरों में काफी भव्य तरह से पूजा अर्चना की जाती है। अब अगर बात करें इनके उत्पत्ति की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि दत्तात्रेय भगवान कौन से हैं, तो अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुईया पर खुश होकर तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें वरदान दिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। परम भक्त वत्सल्य दत्तात्रेय भक्त के स्मरण करते ही उनके पास पहुंच जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्मृति गामी और स्मृति मात्रानुगुणता भी कहा जाता है। ये विद्या के परम आचार्य हैं। भगवान दत्त की नाम पर दत्त संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही महाराष्ट्र में भी दत्तात्रेय देवता की पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग दत्तात्रेय भगवान की पूजा करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपको मिले, क्योंकि ये विष्णु के अंश कहे जाते हैं, तो भगवान दत्तात्रेय की पूजा जरूर करें। वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। आप सभी को दत्तात्रेय जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।